खबर है कानपुर की, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिन दहाड़े एक युवा कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात चकेरी थाना क्षेत्र के ग्रेटर कैलाश इलाके की है। हत्या का आरोपी रवि यादव पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है। कांग्रेस का यह युवा नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर का करीबी था। दिन दहाड़े कांग्रेस नेता की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर उससे हथियार भी बरामद किया। पुलिस को मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार कानपुर में चकेरी इलाके में रहने वाले रवि यादव उन्नाव पुलिस में ड्राइवर है। रवि चकेरी के केडीए में रहता है। रवि का अपने पड़ोसी प्रशांत से लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। रवि ने आज दोपहर प्रशांत को घर में बंधक बना लिया, जिसके बाद प्रशांत ने अपने दोस्तों को फोन कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस नेता शोएब सहित एक दर्जन लोग रवि के घर पहुंच गए। दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। रवि ने विवाद के दौरान ही अपनी राइफल से शोएब को गोली मार दी। शोएब को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने हत्यारोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल बरामद कर ली है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। प्रशांत यादव नाम है मेरा। क्या हुआ था, कहां गए थे, क्या हुआ? हमारा शेड का काम चल रहा था, तो वहाँ हमारे पिताजी का कुछ उन्होंने पैसे मांगने के लिए गए उनसे, तो उनसे उन्होंने झगड़ा किया, उनको उन्होंने बंद कर दिया, बंदी बना दिया। जब हम गए तो उन्होंने चार पांच लोग मिलके, पूरी फैमिली मिलके हमारे ऊपर हमला कर दिया। मेरे पैर पे चोट लगी, फिर हम जब अकेले पड़ गए तो हमने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर डायल नहीं हो रहा था, वहाँ से नंबर नहीं लग रहा था। फिर दोस्त आए तो किस तरीके पिताजी को बाहर निकाला, जैसे बाहर निकाल के जाने लगे उसने पीछे से फायरिंग कर दी। अब वो हमारे दोस्त शोएब खान थे, उनकी मौत हो गई। ये पहले इसने गोली चलाई और इसकी बीवी ने इसको गोली, जब गोली लगने के बाद भी इसकी बीवी ने दूसरा कारतूस इसको पकड़ाया कि फायरिंग करे, लेकिन किस तरीके हम लोगों ने जब ईंटें चलाना चालू किए तो वो लोग पीछे हटे और हम लोग फिर उसको लेके आ गए। इसके पिताजी शायद पुलिस में हैं। नेता की हत्या कर दी गई है, दिन दहाड़े हत्या कर दी, पुलिस का पता है किस राइफल से हत्या की है, क्या एविडेंस मिले पुलिस को, क्या कार्रवाई? देखिए, एक रवि सिंह यादव अपनी टीन शेड का ठेका एक रविंदर यादव को दिया था उन्होंने, और उसी ठेके में काम को लेकर के दोनों में कुछ वाद विवाद हुआ था। रविंदर सिंह उनके घर गए थे तो वहाँ पर उनको रोक लिया था। इस पर उनके साथ में 5-7 लड़के और आए और उन्होंने आकर के उनके घर में कुछ इनके साथ हॉट टॉक हुई और कुछ मारपीट हुई। उसी हीटेड एक्सचेंज में ये इन्होंने जब ये मारपीट किया तो रवि सिंह के पास जो लाइसेंसी राइफल थी उसको लेकर के उन्होंने फायर कर दिया, जो इनके साथ रविंदर ठेकेदार के साथ गए हुए जो स्वेब थे वहाँ पर उनको गोली लग गई, उनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ डिक्लेयर डेड कर दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम है और इसके संबंध में जो घटना में प्रयुक्त राइफल है उसको बरामद कर लिया गया है, अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, और भी जो मौके पर अन्य लोग थे पूछताछ के लिए उनको भी डिटेन कर लिया गया है। और ये चूँकि बताया जा रहा है कि स्वयं कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी भी हैं, तो बाकी अन्य लोगों से भी बातचीत की जा रही है, उन लोगों को सब पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से उनको सही बात करने भी हो जाए। कोई ऐसी प्रश्न दस्या जाँच नहीं बात नहीं आई है, लेकिन कुछ अगर ऐसा आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जो पुलिस में रवि के पिता उन्नाव में जो है तैनात है, हाँ, इसके पिता रवि के पिता कांस्टेबल ड्राइवर हैं यशवंत सिंह यादव, ये उन्नाव में तैनात हैं। और ये देखने की बात है अभी किसके किसकी राइफल है, ये चीज़ देखी जा रही है। अच्छा, इन लोगों बात की पहले कोई बरामद कर लिया गया है? सूचना दी थी कि आपसे विवाद? नहीं, कोई सूचना नहीं। तो ये तो अचानक हुई बात है, अचानक वो अपने 50,000 रुपये का जो ठेका लिया था टीन शेड बनाने का उसको लेकर के वहाँ पर गए थे, वहीं पर बातचीत करने गए थे और बातचीत में कि ये कमी रह गई, इतना बात हुई थी, इस टाइप की बातचीत थी, वो बात आगे बढ़ करके गाली गलौज मारपीट में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद इन्होंने फायर कर दिया। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।